भाजपा के अंदर हिटलर की आत्मा समा गई है। मोदी जी, भाजपा वालों, अब हर इलेक्ट्रॉनिक चिप्स मौजूद है, जो आप बोलते हैं उसके शब्द बशब्द मौजूद हैं। ये कट पेस्ट की पॉलिटिक्स भाजपा की नहीं चलेगी, कुछ काट के सुना दो। उन्होंने इस पर तमाम तरह की बातें कही, किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी? देखिए, भाजपा के अंदर हिटलर की आत्मा समा गई है। हिटलर का एक प्रचार मंत्री था गोबल्स, उसी के नक्शे कदम पे भाजपा चलती है। कहना है एक झूठ बोलो, 100 बार बोलो, विश्वास के साथ बोलो, बार बार बोलो कि वो सच लगने लगे, पर ये जमाना हिटलर का नहीं है। मोदी जी, भाजपा वालों, अब हर इलेक्ट्रॉनिक चिप्स मौजूद है, जो आप बोलते हैं उसके शब्द बशब्द मौजूद हैं। ये कट पेस्ट की पॉलिटिक्स भाजपा की नहीं चलेगी, कुछ काट के सुना दो कि आलू डालोगे सोना निकलेगा। मैं साफ बता दूं आपको, कांग्रेस पार्टी ही आरक्षण लाई जो अंबेडकर साहब ने बनाया था। इस आरक्षण को हम समाप्त नहीं होने देंगे, और आपकी समाप्त करने की साजिश जो चार चार आपके नेता बोले थे पिछले चुनाव में, नेस्तनाबूद हमने कर दी। आरक्षण रहेगा, जातिगत गणना हम कराएंगे, और उसके अनुसार गरीबों में जो वंचित हैं उनमें हम इसको बांटेंगे। इसको लेकर के बहन कुमारी मायावती ने ट्वीट कर ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अभी ये सफाई दें कि वो आरक्षण के विरुद्ध नहीं है, स्पष्टता गुमराह करने वाली गैर बयानबाजी है। लगता है मायावती जी किसी ने बताया नहीं, राहुल गांधी जी का बयान जो आया है वो इससे साफ कर चुका है, सारे देश दुनिया के सामने साफ है। उन्होंने वही कहा जो मैंने कहा है, मायावती जी उसे देख लें। एक और अहम सवाल है, राहुल गांधी जी ने एक और बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि चीन ने जिस तरह से भारत की जगह पे कब्जा कर रखा है, पीएम मोदी इसके खिलाफ सख्त रुख अपनाना चाहिए, ये एक बड़ा संकट है। देखिए, मोदी जी में तो दमी नहीं, साहस नहीं। भाजपा कहते थे ना कि हम लाल आंखें दिखा के बात करेंगे, उसने कब्जा तो कर रखा है, सबको मालूम गलवान घाटी में, वहां पे पुल बना रहा है, चौकियां बना रहा है, हमारी गश्त जो होती थी वो रुक गई है, और मोदी जी का भाषण क्या आ रहा है, न कोई आया था, न कोई आया है, न कोई आएगा। तो जिस आदमी में ये साहस न हो कि कोई हमारी जमीन पे कब्जा कर रखे और उसे स्वीकार कर सके, वो तो झूला झूला रहे हैं चीन के प्रधानमंत्री को। तो मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि आज भाजपा की कमजोरी की वजह से, प्रधानमंत्री जी की कमजोर नीतियों के कारण, चीन ज्यादा हमको सामान भेज रहा है, हमको निर्यात कर रहा है, और हम अपनी चीजें उसको निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। रेशियो बुरी तरह बिगड़ गया है, हमारी भारतीय संपदा को, भारतीय धन को मोदी के सरकार में ज्यादा से ज्यादा चीन को भेजा जा रहा है, और उससे वो हथियार गोला बारूद खरीद कर हमारे खिलाफ इस्तेमाल। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी की है, इसमें 21 उम्मीदवारों को अपनी दूसरी, जिसमें दो मंत्रियों को, राज्य पार्टी अध्यक्ष मोहनलाल बिखेड़ी सहित 7 मौजूदा विधायकों को हटा दिया है। देखिए, भाजपा में भगदड़ मची हुई है, वहां सबको मालूम आने वाले चुनाव में दहाई का आंकड़ा नहीं छू पा रही भाजपा, अगर छू जाए तो ताजुब होगा मुझे। तो इसीलिए मंत्री भाग रहे, कई मंत्री भाग चुके, अब छोटा सा राज, मंत्री कितने, उसमें 3-4 मंत्री तो भाग चुके, कितने विधायक भाग चुके। वो एक ऐसा डूबता जहाज है कि जो उस पे है उसे मालूम है भाजपा में रहोगे डूब जाओगे, तो वो कूद कूद के भाग रहा है। आप लोगों की भी सर वहां पे लगातार बात कही जा रही है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन में भी समस्या है। हमने गठबंधन दर का निर्वाह किया, उनके साथ मिलकर लड़ने की बात की, लेकिन वो जितनी सीटें मांग रहे हैं, आज तक एक सीट तो आई नहीं विधानसभा में, सांसद भी एक दिया उनको, लड़के जीत नहीं पाए। तो मैं समझता हूं इस समय फायदेमंद यही है, यही सोच के जो उसके प्रभारी हैं हरियाणा के, या वहां हमारे अध्यक्ष या हुड्डा जी ने, सबने मिलकर यही तय किया होगा कि जब वो नहीं मान रहे हैं तो हम अकेले लड़ेंगे और जीतेंगे।